Hello student, how are you all? I hope all you are doing great. आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश क्लास 4th चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलेन केलर। नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली सुना होगा, बट चलो आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अबाउट हेलेन केलर। सो लेट्स बिगिन। It was the summer of 1880. तो ये उन दिनों की बात है, गर्मी का मौसम था, 1880 की बात है। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अलबामा में एक हेल्दी बेबी गर्ल का बॉर्न हुआ है। छोटा सा टाउन है वो, और वहाँ पे बहुत ही हेल्दी बेबी गर्ल का वहाँ पे उस वक्त बर्थ हुआ था। Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. जो उसके parents थे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और वो baby girl का उन्होंने नाम रखा Helen Keller. But अब हुआ क्या? One day the baby became ill. एक दिन क्या हुआ, जो ये baby girl थी वो बीमार हो गई। And day after day her fever stayed high. अब दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे ये जो बेबी गर्ल है उसका फीवर हाई होता जा रहा था, कम हो रहा था नहीं। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. जितने भी फैमिली के अंदर मेंबर्स थे, जो भी थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, बहुत ट्राई किया कि हेलेन केलर कुछ भी करके उसका जो फीवर है वो ख़त्म हो जाए और बेटर पोजीशन में वो आए। बट सब ने लास्ट में क्या बोला कि इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ हो ही पा रहा है नहीं। और सब बोल रहे थे कि द बेबी मे नॉट लिव। उन सबको लग रहा था कि शायद ये जो बेबी है वो जिंदा रह सकती हैं नहीं। बट क्या हुआ आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। हेलेन लिव्ड, बट क्या हुआ, हेलेन को कुछ हुआ नहीं, वो जो फीवर है उसमें से वो बाहर आ गई। बट एक और प्रॉब्लम थी, She was not the same after her illness. और जो बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं थी जैसे बीमारी से वो पहले थी। क्या हुआ था? Something is very wrong, her mother said. उनकी मदर ने बोला कि कुछ तो गलत हुआ है हेलेन के साथ। At last they found out what was wrong. और लास्ट में उनको पता चल गया कि हाँ हेलेन केलर के साथ क्या गलत हुआ है। लास्ट में एट लास्ट दे फाउंड, क्या गलत हुआ है बच्चा पार्टी, अब आपको पता चलेगा। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। तो ये जो हेलेन केलर है आफ्टर इलनेस ना वो कुछ देख सकती थी ना ही कुछ सुन सकती थी। सोचो क्या हो अगर आप कुछ भी देख ना पाओ कुछ भी सुन ना पाओ तो कैसी होगी आपकी लाइफ, बहुत ही डिफिकल्ट। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। तो जो ये हेलेन केलर थी अब छोटी सी, उसकी जो ग्रोइंग हो रही है और अब छोटी सी गर्ल बन गई है फ्रॉम द बेबी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उनको उनके जो पेरेंट्स हैं हेलेन केलर के उनको बुरा लग रहा है हेलेन केलर के लिए। क्यों लग रहा है? ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि ना वो देख सकती है ना वो सुन सकती है। हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर। हेलेन कई बार अपनी मम्मी के पास जाती थी, उसको ऐसे हेल्ड करती थी और कई बार वो रोती रहती थी। बिकॉज यू नो वेरी वेल द रीज़न, Give the poor child what she wants, her father would say. तो जब भी हेलेन ऐसे क्राई करती थी तो उसकी जो मदर को उसके पापा कहते कि उसको जो भी चाहिए उसको दे दो, हेलेन केलर को जो चाहिए उसको प्रोवाइड करो। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. पर
चाहे हेलन देख नहीं सकती थी ना सुन सकती थी, फिर भी हेलन कैसी थी? ब्राइट गर्ल थी, ब्रिलियंट वन. बट सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. बट कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि हेलन है वो कुछ सीख नहीं पाएगी. ऐसे हर जगह ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो ऐसा नेगेटिव ही सोचते हैं. हर मदर डिड नॉट एग्री. हेलन की जो मदर थी वो एग्री नहीं हुई. क्या बोला उनकी मदर ने? हेलन इज वेरी स्मार्ट. जो हेलन है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है. सी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. उन्होंने बोला, उसकी मदर ने बोला कि हाँ आप जो सोच रहे वो पूरा गलत है. हेलन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है. हमें सिर्फ वो रास्ता फाइंड करना है कि हम उस तक कैसे पहुंच पाए, कैसे उसको सारी चीज़ें सिखा पाए. क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अंदर से लॉक कर दिया है. हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड. अब ये जो हेलन है वो वाइल्डली ग्रो हो रही है, मतलब कि जिद्दी गर्ल होती जा रही है. क्यों? क्योंकि जब भी वो रोती थी उसके जो फादर थे वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड करते थे. उसकी मदर को बोलते थे, मदर वो सारी चीज़ उसको प्रोवाइड करती, तो धीरे धीरे वो जिद्दी होती जा रही थी. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर. वो किसी को भी अपने खुद के हेयर कॉम करने की परमिशन देती थी नहीं, मना कर देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. हेलन के जो क्लोज थे ऑलवेज डर्टी, बहुत ही ज़्यादा डर्टी होते थे. शी वॉज ऑफ्टन एंग्री. वो बार बार अक्सर वो गुस्सा होती जाती थी. कुछ भी इंसिडेंट होता था वो गुस्से में रहती थी, अक्सर वो एंग्री होती थी. सम टाइम शी वन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कई बार फ्लोर पे वो लेट जाती थी और अपने जो फीट है उसको किक करती थी. तो ऐसा इसका बिहेवियर हो गया था. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. तो हेलन के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि अब फाइनली हमें एक टीचर चाहिए जो हेलन की केयर करे, उसको सिखाए, क्योंकि अभी हेलन का जो बिहेवियर है वो पूरा चेंज हो गया है. मिस सुलिवान अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न To see the world. अब ये मिस सुलिवान है, यंग टीचर है, वो एग्री हो गई कि चलो मैं हेलन की हेल्प करूँगी और मैं इस तरह उसको सिखाऊंगी कि वो पूरे वर्ल्ड को देख पाए. नॉट विथ आइस, नॉट विथ ईयर, ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है, फिर भी किस तरह वो हेलन के लिए मेहनत करती है वो हम आगे देखेंगे. मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल एंड DOLL स्पेल्ड अ डॉल. मिस सुलिवान ने हेलन को डॉल दी और हेलन का जो डॉल था उसका स्पेल भी उन्होंने किस तरह उसको बताया होगा. बोलेंगे तो वो सुन नहीं सकती, ठीक है, लिखेंगे तो वो देख नहीं सकती, तो किस तरह वो देखो यहाँ पे. सी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर इन टू हेलन हैंड. तो जैसे ही डॉल दी, जो डॉल थी वो दी, तो डॉल देने के बाद जो हमारी जो टीचर थी मिस सुलिवान, उन्होंने क्या किया, हेलन के हैंड में फिंगर के साथ उन्होंने डॉल के स्पेलिंग को इस तरह, कैसे आप खुद एक फिंगर लो अपनी और अपने हैंड के अंदर ऐसे ड्रॉ करो डॉल का स्पेलिंग DOLL, इसी तरह हेलन के हैंड में उन्होंने ऐसा किया. हेलन्स हैंड She made the letter with the special hand sign. तो उन्होंने जो हैंड साइन होती है ऐसे बच्चों के लिए, वो हैंड साइन का यूज करके उन्होंने DOLL उनके फिंगर के जरिए हैंड के अंदर उन्होंने ड्रॉ किया. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL. हेलन ने भी सैम कॉपी की, ये जो स्पेल था उसका सैम कॉपी उन्होंने किया. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग. बट हेलन को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं. उसने भी वैसा ही किया जैसा टीचर ने किया, DOLL फिंगर के जरिए हैंड में ड्रॉ किया, सेम हेलन ने किया, बट उसको पता चल रहा था नहीं.
हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। हेलन को जो टीचर है वो बहुत ही पसंद आने लगी, भले वो स्ट्रिक्ट थी टीचर बट दिल की अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा काइंड थी। She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. टीचर ने बहुत सारे वर्ड थे वो स्पेल्ड किए थे उसके हैंड में, रात दिन जब भी टाइम मिलता था बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने उसके हैंड में स्पेल्ड किए ताकि वो समझ पाए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इंटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ, जो हेलन के जो टीचर थे मिस सुलिवान, उन्होंने हेलन को बोला कि तुम्हारा जो हाथ है जो हैंड है वो जो रनिंग वाटर था वहाँ पे रखने को उसको बोला। देन दिस शी स्पेल्ड वाटर, फिर जैसे वो स्पेल्ड करते हैंड में वैसे टीचर ने किया वाटर का स्पेल्ड किया उसके हैंड में। Suddenly Helen understood the water meant something wet running over her hand. और suddenly Helen को समझ में आ गया कि इतने दिन से क्या हो रहा था। उससे समझ आ गया कि अभी जो water spelt किया है इसका मतलब ये होता है कि wet गीला कुछ मेरे हाथ के ऊपर अभी जा रहा है उसका मतलब ये होता है water, water. She understood that word were the most important thing in the world. और ये जो हेलन है वो अब वर्ड समझने लगी थी क्योंकि वर्ड्स ही हमारे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वॉन्टेड टू नो, और ये ही वर्ड्स हैं वो हेलन को समझा सकती है उसको क्या जानना है। जितनी भी चीज़ें अगर उसको जाननी है तो किसके ज़रिए जान सकती हो, विद द वर्ड्स। तो ये चैप्टर में था हेलन के बारे में, भले वो डम डिफ थी आफ्टर दैट भी उसने काफ़ी कुछ हासिल किया है। ये तो अभी हाफ स्टोरी है, इसका जो पूरा जो चैप्टर है वो आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा, पूरी स्टोरी होगी यहाँ तक जहाँ उसने सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हेलन केलर चैप्टर में के अंदर। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो देर किस बात की, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।